हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? सभामत बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर बोल रहा हूँ देखिए, सर। मैं मेरा टेलीफोन जो है उसे जी सर स्पीकर पे रखा है ताकि जी मेरे सर साथ जो लोग बैठे हैं वे भी जी आपकी सर बातें सुनना चाहेंगे। जी सबसे सर जी पहले सर तो मैं सभी आपके साथ आपके और आपके सभी साथियों को जी सर बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने 18 बहुत दिन बड़ी सर हिम्मत अठारह दिखाई, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू तू मैं हो जाती है, जी लेकिन सर उसके जी सर बावजूद भी आपने जी सर सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, जी सर मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी। लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं जी सर सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है जी सर जी ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप जी कुछ सर करना चाहेंगे? हाँ, जी सर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। बताइए। मैं कह रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है वो एक्सकावेट 2.5 मीटर 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर जी सर लेकिन मैंने मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना, अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर, जी तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर, हाँ, उनसे गबर सिंह बात। नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति,
उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला, और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आप लोगों का सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर, और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ाए रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर, और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनका उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था, और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बधाई हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर, जय हिंद जय भारत। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदर अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी, और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था, और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट रहता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है, तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया। उन्होंने चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में बने हुए बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर थे सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। मैं चाहूंगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से है, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर, आपका आपको क्या कहना है बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले, और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर, वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको पूरे देश को खुशी है। अकेले पूरे देश को और दुनिया में भी
क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसी घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर, 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार से, बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से? अच्छा, ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF SDRF जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोगों का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं हम तो क्या कर सकते थे, यानी अंदर इतनी चिंता होती थी सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे, बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे कुछ मनोरंजन के लिए कुछ हम लोग के हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे NDRF के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया, बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। देखिए, आपके परिवार की तपस्या भी काम में आई है, परमात्मा के आशीर्वाद भी काम में आए हैं, और 140 करोड़ देशवासियों की दुआ भी काम में आई है, और कुल मिलाकर के सब इस संकट से निकल करके बाहर आए हैं, तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप घर न जाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करनी है, तो क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप पहले चाहता था क्योंकि कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि साहब और सभी 41 के 41 लोग तबीयत उनकी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें, यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी, और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा, लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं,
क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूँ आपसे। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। जय भारत सर। भारत माता की जय सर। भारत माता की जय। 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 भारत आपके जो नारे हैं ना, देश सुनकर के आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।